हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पंचकूला पहुंचकर सेक्टर 9 स्थित रेहड़ी मार्केट में गुरुवार रात लगी आग से प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर दुख जताया और कहा कि इस दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार दुकानदारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से सभी प्रभावित करीब 100 दुकानदारों को 25,000 रूपए प्रारंभिक राहत प्रदान करने की घोषणा की। वही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के जरिए प्रभावित दुकानदारों की वित्तीय सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि नुकसान का आंकलन करने के बाद दुकानदारों की वित्तीय सहायता की जाएगी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारियों हितों की रक्षा के दृष्टिगत सरकार द्वारा समय समय पर कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत उनकी संपत्ति का नुकसान होने पर भी उन्हें बीमा प्रदान किया जाता है। योजना के तहत व्यापारी का सामान चोरी और आग लगने से नुकसान आदि के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पंचकुला की एक बेटी की शादी थी 15 अक्टूबर को, जिसकी शादी जिस घर में तैयारियां चल रही थी, आज वो परिवार इस राख के ढेर में उम्मीदें ढूंढ रहा है। आज वो परिवार आप देख सकते हैं जिनका जीवन यापन किरियाने की दुकान से और मंदिर के पूजा पाठ के सामान से जो है रेडी मार्केट में चलता था, आज वो इस राख के ढेर में उन अन्न के दानों को ढूंढ रहे हैं, उस भगवान को ढूंढ रहे हैं जिसकी पूजा और आराधना के लिए वो लोगों को सामान बेचते थे। आपको बता दें कि पंचकुला में भीषण अग्निकांड हुआ है, जहां पर 148 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। ये महज 148 दुकानें नहीं थी, ये किसी के घर में बेटी की शादी की तैयारियां थी, किसी के घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके भविष्य के लिए योजना थी, किसी के घर में नए घर की नींव रखी जानी थी, तो किसी के घर में ये मरम्मत की दुकान थी। लेकिन इन दुकानों के जलने से उनके जीवन में अंधकार आ गया है। वीरवार की देर रात और शुक्रवार की तड़के सुबह जो इनके जीवन में काल बनकर आई, वो ये रात बनकर आई, वो ये आग बनकर आई, ये अग्निकांड जिसने सब कुछ जलकर राख कर दिया। इस वक्त हम इस रात के ढेर पर खड़े हैं, इस मलबे पर खड़े हैं। ये मलबा है पंचकुला की सबसे भव्य मार्केट, सबसे मशहूर मार्केट 9 की सेक्टर की रेडी मार्केट। ये रेडी मार्केट जिसमें ऐसा पंचकुला का कोई बाशिंदा नहीं जो इस मार्केट का ग्राहक ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पंचकुला का जो इस मार्केट से कोई सामान ना ले जाया हो, जो इस मार्केट में कभी ना आया हो। आज पंचकुला का हर वो बाशिंदा जो यहाँ आ चुका, वो इस दुख में इनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। आज पूरे पंचकुला में मातम है। महज 148 परिवार की उम्मीदें जलकर राख नहीं हुई, बल्कि पूरे पंचकुला वासी गम में इनके साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जो पंचकुला के विधायक भी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, इन दिनों सरकारी दौरे पर विशेष विदेश यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए फौरी राहत के लिए उन्होंने 1,00,000 रुपए तो व्यक्तिगत तौर पर दिए ही हैं, साथ ही अपने व्यक्तिगत तौर और साथ में सरकार के द्वारा मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं अगर बात करें पंचकुला के व्यापारी वर्ग की, तो एक बड़ी पहल उनके द्वारा की जानी है क्राउड फंडिंग की। हम भी अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज पंचकुला ही नहीं सभी लोगों की मदद की जरूरत है, इन लोगों के एक बार फिर से उठ खड़े होने के लिए। क्राउड फंडिंग का नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति इनकी मदद कर सकेगा, फिर चाहे वो 10 रुपए से हो या जो उसकी श्रद्धा अनुसार। आपको बता दें कि इनके जीवन की उम्मीद जहां जलकर राख हो गई है, वहां अब पंचकुला वासियों सहित हमारे तमाम दर्शकों को इनके जीवन में खड़े होने के, इनकी मदद के लिए आगे आना होगा। वहीं एक बड़ी लापरवाही फायर ब्रिगेड की भी सामने आई। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पंचकुला की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां महज नाम की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, वो पानी कहीं डाल रहे थे, जा कहीं और रहा था, पाइप में लीकेज, टूटे फूटे कटे पाइप जो थे, और 3 गाड़ियां तो ऐसी थी धक्का मार गाड़ी। जी हाँ, ये हालत है फायर ब्रिगेड की गाड़ी की, जिन्हें खुद जरूरत है फौरी राहत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पंजाब के डेराबस्सी की फायर ब्रिगेड की गाड़ी और चंडीगढ़ की फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं होती, तो इस आग पर कभी काबू नहीं पाया जा सकता था, और अगर पंचकुला की फायर ब्रिगेड दुरुस्त होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, आग को समय पर काबू पाया जा सकता था। ये दुकानदार है जो रात को जब आग लगी तो खुद आग के बीच में कूद पड़े, अपने सामान को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, कि कहीं कुछ बच जाए, क्योंकि फायर ब्रिगेड से तो ये नामीद हो चुके थे और खुद जान जोखिम में डालकर आग में कूद पड़े थे। किसी तरीके से भी कोशिश कर रहे थे कि कुछ बच जाए, लेकिन उनके हाथ लगा तो ये राख का ढेर। मैं चाहूंगी, देखिए ये चूड़ियां हैं जो किसी के घर में, किसी का सौंदर्य के लिए श्रृंगार का सामान था, किसी के जीवन में
सुंदरता लाने के लिए थी। वहीं दूसरी तरफ यह कुछ जले फले कपड़े आप देख सकते हैं, ये हैंडलूम की दुकान थी और यहाँ पर सजावट का सामान था जो हर किसी के घर में कहीं पर्दे, कहीं चद्दर, कहीं कुशन या किसी भी तरह के सजावट के सामान में रूप में मौजूद था। लेकिन आज यहाँ पर पर्दे की जगह लटक रहे हैं ये जले हुए पत्रे, पर्दे की जगह और चद्दरों की जगह यहाँ पर है ये टूटी मुड़ी जो रॉड है लोहे की और ये राख का मलबा, जहाँ पूजा का सामान होता था, जहाँ भगवान की कृपा होती थी, वहाँ आज राख का ढेर है। जहाँ अन्न का दाने होते थे, जहाँ राशन होता था, वहाँ आज राख का ढेर है। ये राख का ढेर इन लोगों की उम्मीदें हैं जो राख में तब्दील हो गई हैं। लेकिन एक बार हम सबको इन सब के लिए खड़ा होना होगा और इनकी मदद के लिए आगे आना होगा। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ इस राख के ढेर से मैं उमंग शरान। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।